आपका बयान है जिसमें आपने कहा है यूपी का अगला चुनाव हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग की तरह है, इसमें बीजेपी को हराना यहां पाकिस्तान बनाने के बराबर है। एक गांव की सभा में आपने कहा लड़ाई यहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान की है, ये ध्यान रखना, एक तरफ पाकिस्तान है एक तरफ हिंदुस्तान, उसमें तुम्हें क्या करना है ये सोच लो, एक तरफा सोच लो, ये आपने कहा। इन्वर्टेड कोमा में कोट किया हो किसी अखबार का? नहीं नहीं, इसका किसी अखबार ने लिखा है, तो इस तरीके से अगर इसकी आप क्लिपिंग निकलवाएंगे तो पूरा बयान इस तरीके से नहीं। हाँ, यही शब्द मैंने कहा है, कोई शब्द से हट नहीं रहा हूं कि मैंने नहीं कहा है, लेकिन किस आदमी के लिए कहा है और क्यों कहा है वो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह का जब बयान देते हैं संगीत सोम साहब, ऐसा ही बयान अमित शाह ने बिहार में दिया था कि यहां अगर बिहार में फलां पार्टी जीतेगी तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, तो सवाल उठता है उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, उसमें वोटर हैं जो उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं वो तय करेंगे, आप ये क्यों तय करते हैं कि किसकी तरफ वोट दोगे तो पाकिस्तान बनेगा, किसकी तरफ वोट नहीं दोगे तो पाकिस्तान नहीं बनेगा या हिंदुस्तान बनेगा? आपके बयान से आपकी जो राजनीति है, कई बार ऐसा लगता है कि ऐसे दौर की शुरुआत होने वाली है अगले 3-4 महीने में जिसमें ध्रुवीकरण होगा। नहीं नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की राजनीति कभी करती नहीं है, ना इस तरीके की राजनीति से कोई सरोकार रहता। पीछे भी आपने अगर देखा होगा आज तक का पूरा इतिहास उठा के देख लेंगे, मुझ पे पीछे जो मुकदमा लगा, राजनीतिक मुकदमा मुझ पे लगाया, जो मुजफ्फरनगर में जहाँ से आप अभी आने वाले हैं जो मुकदमा लगाया, शायद अकेला आदमी मैं हूँगा जो आज तक 4 सीट नहीं हो पाया हूँ। मेरे खिलाफ आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला है और मेरे खिलाफ आज तक कोई 4 सीट नहीं हुई। अकेला पूरे मुजफ्फरनगर के पूरे दंगे में जितने लोगों का नाम इन लोगों ने लिया, उसमें समाजवादी पार्टी के लोग भी थे, बसपा के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग जो नेम्ड किए गए थे। अकेला संगीत सोम है, एक मिनट मेरी सुन लीजिए, अकेला संगीत सोम है जिसके खिलाफ आज तक कोई 4 सीट नहीं। नहीं, अकेला संगीत सोम है जिसके बारे में क्या सबूत है मैं बात करूंगा, तो फिर मुजफ्फरनगर दंगे पर ज्यादा बात होगी, उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक अकेला संगीत सोम है जिसके भाषण से मुजफ्फरनगर और उस इलाके में हिंदू और मुसलमानों के बीच तनातनी की स्थिति होती है। एक अकेला संगीत सोम है जिन पर नजर है कि उत्तर देश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 10-12 जिलों में अगले 3 महीनों में संगीत सोम क्या करने वाले हैं। वही आपको बताना चाह रहा हूं कि जो भाषण ये बताते हैं आज तक भाषण ही नहीं दिखा पाए, क्योंकि उस सभा में मैंने कोई भाषण ही नहीं दिया। जिस सभा की ये बात करते हैं, जो मुकदमा किया है आज तक चार्जशीट नहीं कर पाए, उस सभा में मेरा कोई भाषण ही नहीं हुआ है, तो भड़काऊ भाषण और भाषण दूसरे की तो कोई मतलब ही नहीं उठता। आज तक अगर कोई क्लिपिंग है तो आप दिखा दीजिए, अगर मीडिया के पास है तो मीडिया दिखा दे कि मुजफ्फरनगर दंगे से संबंधित कोई क्लिपिंग आपके पास हो। फिर मैं वही कहूंगा कि वो फिर बात लंबी जाएगी, आपके फेसबुक पोस्ट करने की भी बात थी, बाहर विदेश के किसी वीडियो को दिखाने की भी बात थी, ये सब आपने किया था। फेसबुक पे भी आ जाइए, एक मिनट, फेसबुक पे भी आ जाइए, उस फेसबुक पे इन्होंने अपने मुकदमे में लिखा है, उसे भी आज तक चार्जशीट नहीं कर पाए कि संगीत सोम ने शेयर किया है, जो लोड किया है वो समथिंग कोई श्रीवास्तव लखनऊ का है, उसके खिलाफ आज तक कोई।